हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशीर। यार कल यकीन करो, वानखेड़े स्टेडियम क्या हर जगह पूरा मुंबई में चक्का जाम, दरो दीवार है राजी है भाई। और वो सेलिब्रेशन कसम से अभी भी माइंड में बैठा हुआ है क्या। लेकिन अब वानखेड़े स्टेडियम का हमने नहीं देखा, वानखेड़े स्टेडियम का कोई भी क्लिप अभी तक नहीं देखा भाई। क्या हुआ, क्या उसके अंदर नहीं हुआ? हमने बाहर का तो देखा, जो विक्ट्री परेड हुई है सब कुछ हुआ, लेकिन वानखेड़े स्टेडियम में क्या हुआ ये अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। तो आज मिलके आपके साथ देखते हैं वानखेड़े स्टेडियम। फिर हम सो भी गए थे यार काफी। हाँ भाई, क्योंकि देर भी हो गई थी और कुछ क्लिप्स वानखेड़े की मिली थी 2 बजे हम सो, मतलब बहुत कम मतलब क्लिप्स देखने को। फिर सुबह भी उठे हैं तो कुछ क्लिप्स मिली हैं, तो वो देखते हैं आपके साथ मिलके। बाकी बातें गाइस करेंगे आखिर पे। तो भाई देखते हैं इस भाई सेलिब्रेशन को एक बार याद हिस्ट्री में रखा जाएगा, रखा जाएगा कि भाई कुछ इस तरह क्रिकेट का सेलिब्रेशन हुआ था। और पूरी दुनिया में इसके चर्चे हो रहे हैं कि ये क्रिकेट, काफी लोगों को नहीं पता ना दुनिया में, उनको भी पता लगा होगा क्रिकेट ये होता है। तो भाई काउंट डाउन करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। ओ ग्राउंड में घूमे हाँ भाई, ओ ओ कोहली गा रहा कमाल यार, बंदे याद वाकई रहता है। रोहित शर्मा ये ग्राउंड के अंदर ग्राउंड में गए थे, ये एक पांडे ने उठा ही हाँ भाई, लोग की ताड़िया थे क्या के काउ हो। डांस कर रहे, डांस कर रहे, डांस कर रहे, ये देखो ये डांस कर रहे यार, नेक्स्ट लेवल यार। ऐसा सवाल देख में कभी कभी ये देख तेरा ये मूवमेंट होता है ये 125 करोड़ रुपए दिया भाई, 125 करोड़ रुपया। बोले फेंक रहे मुझे यार सबसे ज्यादा ये डांस, ये रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तो डांस किया था भाई, तो उसके चर्चे चले गए भाई। ये किसी मोबाइल से भाई चेक कर यार भाई यार इसको कहते हैं यार एक सेलिब्रेशन। हाँ भाई कमाल, ढोल मोल सारे हैं ढोल मिला चला। हाँ भाई ये चेक कर चैंपियंस को जब कहते हैं तब तो करोड़ चाहिए, थोड़ा पैसा नहीं दिया तो सिर्फ सिर्फ एक ही सुपर कार ले सकते हैं, महंगी होगी। हाँ भाई 2-2 सॉरी, हर प्लेयर 2-2 सुपर कार ले सकता है, लंबर्गिनी या फरारी। दोस्तों आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल का दिन तो टीम इंडिया और सभी भारतीय फैंस के लिए एक यादगार दिन तो था ही, लेकिन इसके अलावा आज टीम इंडिया की विक्ट्री परेड के बाद वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया और सभी खिलाड़ियों का जिस तरह से स्वागत किया गया, इस मूवमेंट को भी कोई भी भारतीय और टीम इंडिया के खिलाड़ी भी कभी नहीं भूल पाएंगे। सही बात है, जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। जिस तरह का वेलकम किया गया ना, मैं कहता हूँ ये जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, कभी भी नहीं भूल सकते। ये चीज नहीं भूल, ये उनकी सुनहरी यादों में, ये अपने बच्चों, उनके बच्चे, उनके बच्चे भी कहेंगे कि मेरे दादा पर दादा ने जो है ना इस तरह जीता था वर्ल्ड कप, और उनका इस तरह से वेलकम हुआ, इस तरह से वेलकम हुआ। जिस तरह देखो 1983
कपिल देव को आज भी लोग याद करता है ना, एम एस धोनी को आज भी लोग याद करता ना, रोहित शर्मा को भी आज मतलब जो है वो याद रखेंगे लोग, ये अमर हो गए समझो। मतलब विराट कोहली और सचिन सर तो ये तो अपने कामों से अमर हुए ना, मतलब ऐसा खेला है उन्होंने, ऐसे रिकॉर्ड बनाए, उनको तो पूरी जनरेशन याद रखेंगे ना, लेकिन कप वालों को कोई भी नहीं भूलता कि ये कैप्टन कप कोई भी नहीं भूलता यार। पहला रोहित शर्मा था, फिर धोनी सर, तीन कप इकट्ठे लेकर आए, फिर उसके बाद भाई हाँ अपने रोहित शर्मा, जिनका ड्रीम था अभी तक सबसे अच्छी इनकी हाईएस्ट मतलब परसेंटेज थी विनिंग की, लेकिन कप नहीं आ रहा था, कप नहीं आ रहा था, फाइनल में पंगा हो जाता था, कप नहीं आता था, फाइनली वो चीज खत्म हो गया भाई। हाँ जितना कल शोर था ना, जितना शोर था, मैं कहता हूँ आसपास के देश भी हिल गए होंगे ऐसा शोर था। नेपाल वगैरह इन जगहों पे जलजले आ गए थे पाकिस्तान, ये सोच ऐसा शोर था, ऐसा लोगों में क्रेज था, मैं कहता हूँ, और ऐसा वेलकम था कि लोग हिल गए भाई, और से देखा होगा यार ऊपर। और मैं एक बात बता दूं, ये तो 2 किलोमीटर से स्टार्ट हुआ है ना, टोटल 2 किलोमीटर था जहाँ से परेड होकर, ये 2 किलोमीटर कहते हैं 3-4 घंटों में कवर हुआ है ये रास्ता, 2 किलोमीटर था। खुद सोचो अगर ये 10 किलोमीटर आता पूरा मुंबई होता पूरा मुंबई होता। 10 किलोमीटर नहीं बे भाई, 10 किलोमीटर 2 किलोमीटर इतने घंटों में खत्म हुआ। सोचो ये दूसरा होता तो ये कितनी देर में खत्म होता। क्या बोले यार, कमाल मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इसको कहते हैं क्राउड, इंडिया में, इंडिया जैसा आपको क्राउड पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, दुनिया में नहीं, जहाँ पर ढूंढ लो भाई आपको नहीं मिल सकता इंडिया जैसा क्राउड, जिस तरह का इंडिया का कमाल का क्राउड है यार, सीधी सी बात है, ये बात सच है, ये बात सच है। और यार जिस तरीके से उन्होंने वेलकम किया है, जिस तरीके से दोनों का देखा भाई, रोहित शर्मा का और उसका, वो तुम इस बात से अंदाजा लगा लो कि कल इतना शोर, और जब वंदे मातरम बोल रहे थे पूरे क्राउड कैसे आवाज आ रही थी, देखा था तुमने किस तरह कर रहे थे वंदे, ये कोई कोई क्राउड कर सकता है, सही बात, ऐसे क्राउड एक साथ में बोलकर बोल करके बिल्कुल करके दिखाए मुझे, ऐसा कोई करके दिखाए यार भाई, ये इंडियन नहीं कर सकता कोई भी, नहीं भाई, साथ भाई विराट कोहली गा रहा है, साथ और गा रहा है रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या। कल यार मैं सच बात बताऊं, मुझे जितनी खुशी हार्दिक पांड्या के लिए हुई है ना, सही बात है, मुझे सच बात यार, सबकी बीवियां थी उस टाइम पे उनके साथ, लेकिन इनके ऊपर बुरा टाइम है, हमें फुल सपोर्ट करना चाहिए हार्दिक पांड्या को, और मुझे खुशी हुई है कल, वो इतना खुश था बंदा, वो इतना खुश बंदा था, सच बताऊं वो डिजर्व यार, मेरी कसम से हार्दिक पांड्या के लिए कितने लोगों की रिस्पेक्ट बढ़ी होगी यार, कसम से, ऐसा प्लेयर है और उसी को कप दे के एंट्री कराई है, एंट्री कराई है, चेक किया, लेकिन ये फिर रोहित शर्मा का भी देख लो ना, कैप्टन भी कैसा है, अपने हर खिलाड़ी को मतलब एंजॉय कराया, चाहता तो खुद आता पूरे ग्राउंड को दिखाता उसने, लेकिन यार सेल्फलेस कैप्टन, सच में सही बोला, मैं बोलता हूँ बिल्कुल सही बोला, सही बोला। आपका गाइस का कहना है सारे मामले के ऊपर, कैसा लगा यार सेलिब्रेट, वानखेड़े स्टेडियम में कल कौन था, कमेंट में लाजमी बताएं, और मुंबई में मतलब वो सी लिंक के पास और वो जो मरीन ड्राइव पे कौन कौन था, कौन कौन सेलिब्रेट करने गया था, कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।